नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं हूं दीपेश चावड़ा और सत्यादि शर्मा क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज हाजिर हैं हम 6 जून जेल प्रहरी और वन रक्षक शिफ्ट 2 के एनालिसिस के लिए। तो आइए जानते हैं हम बच्चों से कि कैसा रहा आज का एग्जाम का लेवल। पेपर ईजी था, मॉडरेट था, टफ था, और क्या बच्चों का स्कोर रहा। नाम क्या आपका? मेरा नाम तिलक पटवारी जी। तो कैसा रहा आपका पेपर? पेपर सिंपल था, टफ था या मॉडरेट था? सिंपल ही था, टफ नहीं था इतना। तो सेक्शन वाइज अगर बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा टफ कौन सा सेक्शन लगा? सबसे ज़्यादा टफ लगा था मुझे इंग्लिश लगा। इंग्लिश लगा। इंग्लिश टफ क्यों लगा? मतलब पढ़ा नहीं था इसलिए या फिर? पढ़ा नहीं था इसके कारण। तो अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में क्वेश्चन कहाँ से देखने को मिला आपको सबसे ज़्यादा आज? मैथ्स से ज़्यादा सबसे ज़्यादा जो परसेंटेज है ना, उस बेस पे ज़्यादा आए थे। ठीक है। सरलीकरण से क्वेश्चन देखने को मिले? हाँ मिला मिला मिला। ठीक है। नाव वगैरह से कोई क्वेश्चन था? हाँ आए थे, मतलब पेपर सरल ही था, जो आगे जो होने वाला है उसके बारे में भी था, जो भी जो प्रेजेंट में चल रहा है उसके बारे में भी। ठीक है। तो अगर जीएस की बात करें तो करंट अफेयर्स मतलब पूछा है? जी जी पूछा है। इसके अलावा हिस्ट्री पॉलिटिक्स से कोई क्वेश्चन? हाँ पूछा है, पास्ट का जो है वो भी पूछा है। ठीक है। हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से देखने को मिला आपको? सबसे ज़्यादा ये व्याकरण में मिला है सबसे ज़्यादा। व्याकरण में मतलब क्या? वर्तनी शुद्ध वगैरह देखने को मिली? शुद्ध अशुद्ध वाक्य वगैरह सब मिले हैं। और विलोम शब्द या पर्यायवाची वगैरह सब आए सर जी उसमें। ठीक ठीक। साइंस की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया था? सबसे ज़्यादा बायो पूछा था। बायो पूछा था। कोई क्वेश्चन वगैरह याद है आपको? क्वेश्चन तो अभी याद नहीं है वो। नाम क्या आपका? अजय बचानिया। अजय बचानिया, कहाँ से हैं आप? मैं देवास से हूँ। देवास। कैसा रहा आपका एग्ज़ाम? अच्छा रहा सर। अगर सेक्शन वाइज बात करें तो सबसे टफ क्या लगा आपको? सबसे टफ सर कुछ नहीं लगा, सारे इजी टू मॉडरेट थे, सारे क्वेश्चन मॉडरेट थे। अगर सेक्शन वाइज बात करें तो मैथ्स का सेक्शन कैसा लगा, मतलब कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला आपको आज? मैथ्स में आज क्वेश्चन थे, एक तो त्रिभुज का था। ठीक है। त्रिभुज और उसके बाद सिंप्लीफिकेशन का था एक, और तीन चार CISI के थे उसमें। ठीक है। और बस नाव वगैरह। ट्रेन से कोई क्वेश्चन? ट्रेन से भी नहीं था क्वेश्चन। हाँ ठीक है। और अगर ट्रेन से एक था। हाँ। हिंदी की बात करें तो हिंदी में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया? हिंदी में सर, हिंदी में कुछ वो कुछ स्पेशल टॉपिक नहीं टच कर रहा है उसका, क्या है जैसे कि विशेषण विशेष्य इनके बारे में, उसके बाद आसन्न भूतकाल और ये जैसे भूतकाल, मतलब साहित्य से क्वेश्चन देखने को मिला है। साहित्य से सर ये आसन्न भूतकाल वगैरह, मतलब व्याकरण ज़्यादा देखने को मिली है। विलोम शब्द पर्यायवाची? हाँ विलोम शब्द पर्यायवाची एक दो थे बाकी, लेकिन उन्होंने इस तरीके के टॉपिक टच किए जो मतलब अधिकतर जिनकी तरफ ध्यान नहीं जाता, जैसे सब ध्यान देते संधि समास की तरफ, संधि समास को हटा दिया, एक रस के उदाहरण देकर रस पूछ लिया कि कौन सा रस, मतलब ये बोल दें कि अनकॉमन चीज़ें पूछी गई हैं। कॉमन तो हर व्यक्ति को पता ही होती है वैसे, जो जितना है ठीक है। वो कुछ क्वेश्चन ऐसे दे रहा, चार पाँच कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देता कि सबसे बन जाएंगे, और बाकी क्वेश्चन वो ऐसा दे रहा है कि बिल्कुल आपने मतलब जो पैसेज को आपने टच नहीं करा ना वहाँ पे जा रहा है वो। इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से? पैसिव एक्टिव के ज़्यादा थे, सिनोनिम और वो पर्याय विपरीतार्थी के ज़्यादा थे, और उसके बाद देखने को मिले दो, शायद दो देखने दो को मिले। हाँ ठीक है। साइंस की बात करें तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से थे? साइंस में सर बायो से ज़्यादा क्वेश्चन थे। ठीक है। कोई क्वेश्चन याद है आपको? हाँ क्वेश्चन क्या, जैसे एक सड़ा जीवित पदार्थ क्या कहलाता है, वो कवक वगैरह को जैसा रहता है। और जीएस की बात करें तो करंट अफेयर्स पूछे गए आज? हाँ करंट अफेयर्स 21 का भी था, और एक तो था 2023-24 में जो बजट है वो कितना है, 4000 करोड़ की ओवरऑल बजट कितना जो है पास हुआ है वो पूछा वो वाला। ठीक है। और इसके अलावा अगर हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी से क्वेश्चन देखने को मिले? हिस्ट्री से मिले सर, एमपी में भी मिले, जैसे उस्ताद आमिर खां का जन्म कहाँ पर हुआ था। अच्छा। ठीक है। उसके बाद प्रस्तावना के अंतर्गत समानता का अधिकार। अच्छा। समानता का अधिकार मतलब सीधा आर्टिकल से क्वेश्चन था। हाँ उद्देश्य ये कहाँ से लिए गए, और उसके बाद मतलब भारतीय संविधान के स्रोत पूछे हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ से ली गई है, ये पूछा है। और उसके बाद मांडू का पूछा है कि मांडू में कौन सी शैली है, जैसे द्रविड़ कला है कि मतलब मांडू में जो मंदिर वगैरह बने हैं जो वो किस शैली में बने हुए हैं। ठीक है। तो स्कोर क्या रहा है आपका? स्कोर 59 सर। थैंक यू भाई। नाम क्या आपका? हरीश कुशवा। ठीक है। तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा? इजी था, मॉडरेट था, टफ था पेपर? थोड़ा टफ ही था। टफ आपको लगा? मुझे लगा। अच्छा। क्यों, मतलब क्या कारण रहा? तैयारी नहीं की आपने? थोड़ी प्रिपरेशन कम थी मेरी जी। हाँ इधर आ जाओ, कैमरे पर घबराने का नहीं भाई, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो सेक्शन वाइज बात करें तो आपको सबसे ज़्यादा टफ कौन सा सेक्शन लगा? एक तो साइंस था। साइंस में अगर बात करें तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से थे? फिजिक्स के भी थे, सॉरी हाँ फिजिक्स के भी थे और ये भी थे।
बायो जी, जी बायो भी ठीक है। जी एस की बात करें तो करंट अफेयर से क्वेश्चन देखने को मिला है जी के में। हाँ जी के में यही मांडू वगैरह के से रिलेटेड पूछा था। ठीक है, मतलब एमपी से क्वेश्चन थे, एमपी से क्वेश्चन थे जी। अगर मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में क्या टॉपिक पे सबसे ज़्यादा जोर दिया उन्होंने आज? मैथ्स में यही कि इतने प्रति घंटे से ही अगर वो चल रही है तो इसकी वो बताइए, समय दूरी से प्रश्न था। हाँ समय। ब्याज की बात करें तो साधारण ब्याज चक्र था, साधारण से रिलेटेड भी क्वेश्चन बहुत सारे थे। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे? नो नहीं थे। हाँ ठीक है, और हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्वेश्चन कहाँ से थे? हिंदी में यही था अपने क्या बोलते हैं, मतलब शब्द शक्ति ज़्यादा थी या व्याकरण ज़्यादा थी? नहीं व्याकरण ज़्यादा थी, व्याकरण ज़्यादा थी। मतलब व्याकरण में देखा जाए तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण इन सब चीज़ों से प्रश्न पूछे थे, सारे क्वेश्चन वही थे जी। तो अगर एग्ज़ाम का लेवल अगर आप बता रहे हैं कि आपको मॉडरेट टू थोड़ा टफ लगा, तो अगर जो पेपर आज आया था उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो एक नॉर्मल एस्पिरेंट जो ठीक से तैयारी कर रहा है उसको कितने महीने की तैयारी करना चाहिए ताकि वो अच्छा स्कोर कर पाए? फिर भी सिक्स मंथ, सिक्स मंथ कम से कम। आप कब से तैयारी कर रहे थे? मैं तो कुछ नहीं, दो महीने से ही कर रहा था। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा लगा आपसे मिलकर। नाम क्या है आपका? सरिता चौहान। कहाँ से आप प्रॉपर? मैं हरदा से हूँ। हरदा से। तो एग्ज़ाम का लेवल कैसा रहा आज? पेपर इजी था, मॉडरेट था, टफ था? मतलब मीडियम ज़्यादा टफ, और वो पढ़ने वालों के लिए तो इजी था। ठीक है, अगर सेक्शन वाइज बात करें तो आपको सबसे टफ कौन सा सेक्शन लगा? मुझे थोड़ा सा मैथ्स लगा था। मैथ्स टफ क्यों लगा? पढ़ा नहीं था इसलिए या फिर कोई और रीज़न है? पढ़ा नहीं था और उसमें एसआई वाले थोड़े ज़्यादा क्वेश्चन, मतलब सीआई एसआई से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिला। कितने क्वेश्चन? लगभग तीन चार। हाँ तीन चार तो आए ही थे उससे। ठीक है, और इसके अलावा और मैथ्स में कौन से टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले आपको? मैथ्स में जैसे घनमूल वगैरह और बॉट मास के आए थे। ठीक है, एसआईसीआई के ज़्यादा पूछे थे। एडवांस से कोई क्वेश्चन देखने को मिला? एडवांस में त्रिभुज वगैरह कुछ? हाँ एक आया था त्रिभुज वाला, एक ही क्वेश्चन आया उसका। और हिंदी की बात करें तो हिंदी में क्वेश्चन सबसे ज़्यादा कहाँ से थे? हिंदी में अलंकार पूछा और सबसे ज़्यादा शुद्ध अशुद्ध पे आया, शुद्ध अशुद्ध पूछे। और व्याकरण का वेटेज कैसा क्या था? ठीक था। ठीक, जीएस की बात करें तो एमपी से क्वेश्चन थे? एमपी से थे और करंट अफेयर्स एमपी से थोड़े कम थे, करंट अफेयर्स से 2022 और 21 के। ठीक है, हिस्ट्री पॉलिटी से कोई क्वेश्चन? हाँ आया था, मतलब कर्नाटक वगैरह यूपी इनके क्वेश्चन आए थे। ठीक है, अगर साइंस की बात करें तो साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायो क्या था? साइंस का अच्छा था, मतलब फिजिक्स पूछ रहे थे और बायो पूछा था मेरे, मतलब बायो में इजी पूछा था कि रक्त का कलर क्यों होता है रेड, रक्त का कलर लाल क्यों होता है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन इसके अलावा याद हो आपको? इससे और एक आया था रक्त का, और उसके बाद ईंधन गैस कौन सी है। ठीक है, उसके अलावा फिर अगर अपन इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश में सबसे ज़्यादा क्या पूछा गया? इंग्लिश में एक्टिव पैसिव वॉइस पूछा था और एंटोनिम और सिनोनिम्स वगैरह ज़्यादा पूछा। पैराजंबल देखने को मिला आज? पैराजंबल दो दो थे। ठीक है, थैंक यू। तो दोस्तों देखा आप सभी ने, हमने भी बच्चों से बात की। ठीक है, अगर पेपर के लेवल की बात करें तो पेपर जैसा अभी तक आ रहा था वैसा ही आ रहा है लगभग, बस अगर कोई चेंज देखने को मिला तो ऐसा है कि अभी तक हमको एमपी जीके से ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिलते थे, लेकिन आज जो हमको एमपी से क्वेश्चन देखने को मिले हैं, जिस भी बच्चे से हमने बात की है हर एक ने यही बताया कि हाँ एमपी से आज क्वेश्चन देखने को मिले हैं। मांडू से रिलेटेड एक क्वेश्चन आज एमपी का देखने को मिला था, इसके अलावा भी क्वेश्चन और एमपी से थे लेकिन बच्चे को याद नहीं थे। और अगर करंट अफेयर्स की बात करें तो करंट अफेयर्स 21-22 का करंट अफेयर्स भी पूछा है। मैथ्स की बात करें तो मैथ्स में आज कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट, मतलब साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज से ज्यादा प्रश्न देखने को मिले, चार से पांच क्वेश्चन जो है सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से देखने को मिले हैं। हिंदी की बात करें तो हिंदी में जो है व्याकरण को जो है ज्यादा वेटेज है आज, मतलब सर्वनाम संज्ञा विशेषण विशेष इन सारी चीजों से इन सारे टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश का वही पुराना पैटर्न जैसा फॉलो कर रहे हैं, पैराजंबल सिनोनिम एंटोनिम और बाकी ये सारी चीजें। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा और आगे जिनका भी पेपर है वो इन टॉपिक्स पर ज्यादा अच्छे से ध्यान देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।